हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये जैकेट बनाकर लाई हूँ और ये जैकेट देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये बनाई है मैंने 12 मंथ से लेकर 18 मंथ बेबी बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए मैंने ये जैकेट बनाई है। देखिए, अब आपको मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। देखिए, यहाँ से इसकी चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर, 26। और स्लीव्स की लेंथ है यहाँ से 22 सेंटीमीटर, 22। देखिए, 22 सेंटीमीटर है यहाँ से स्लीव्स की लेंथ। और देखिए, पूरी लेंथ है इसकी 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर इसकी ये लेंथ है, लंबाई है। ये इसका मेजरमेंट है। लगाने के लिए 6 बटन लेने हैं। और देखिए, बुनने के लिए 4 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लेना है, 7 नंबर का। और इसके लिए आपको वूल लेनी है 200 ग्राम, 150 ग्राम तो आप ये पर्पल कलर लेना है और 50 ग्राम लेना है ये वाइट कलर। टोटल आपको 200 ग्राम वूल लेनी है। सिलने के लिए सुई, ये सब आपको लेना है। अब देखिए, मैं जैकेट को बुनती हूँ, जैकेट को बुनना है। आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये जैकेट आपको कैसी लगी। तो देखिए, अब मैं जैकेट को बुनती हूँ। देखिए, जैकेट को अब मैं बुनती हूँ, जैकेट को बुनना है। इस तरह से मैं नोट बांधूंगी, ये मैंने नोट बांध दी है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 64 चेन डालूंगी, 64 चेन। तो इस तरह से चेन को मैं डालूंगी। देखिए, इस तरह से चेन को डालना है। पूरी चेन में इसी तरह से डालूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये 64 चेन डाल दी है। इस तरह से आई है ये चेन बनकर। देखिए, अब 64 चेन डालने के बाद 3 चेन में एक्स्ट्रा लूँगी, 1 2 3। ये मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा ले ली है। अब ऊपर से देखिए, 1 2 3 और एक ये फिफ्थ चेन में डालना है। फोर्थ चेन को स्किप करना है, फिफ्थ चेन में डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए, ये मैंने फिफ्थ चेन में डबल क्रोशिया को डाल दिया है। और ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। अब देखिए, मैं जैकेट का ये फ्रंट पार्ट बना रही हूँ, तो इसमें डालूँगी मैं 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये हो गए 2, 3, 4, 9 और एक ये 10। देखिए, फ्रंट पार्ट में मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं जाली डालूँगी, बन चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है, बी स्टिच। देखिए, अब देखिए, बैक के बाद मैं स्लीप्स बनाऊंगी, तो स्लीप्स में डालने हैं 12 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया मैं स्लीप्स में डालूंगी। तो ये हो गए 1, इसी तरह से डालना है डबल क्रोशिया को, 12 डबल क्रोशिया डालने हैं, 12। देखिए, ये मैंने स्लीव्स में 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए, मैं जाली डालूंगी, यहाँ पर अब जाली डालनी है, तो 1 चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है, बी स्टिच। ये एक ये डाली मैंने जाली और एक ये डाली।
अब देखिए मैं जैकेट का बैक पार्ट बनाऊंगी, तो बैक में डालूंगी मैं 20 डबल क्रोशिया को मैं बैक में डालूंगी। तो इस तरह से डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए ये मैंने बैक में 20 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं 20। अब देखिए मैं जाली डालूंगी, तो बन चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है 20 स्टिच। देखिए अब देखिए मैं स्लीव्स में डालूंगी 12 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया स्लीव्स में डालना है। ये मैंने तीसरी जाली डाल दी है। देखिए स्लीव्स में मैंने अब ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए इसमें मैं जाली डालूंगी, चौथी जाली डालनी है, फोर्थ जाली। तो वन चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये फोर्थ जाली डाल दी है, चौथी जाली, चौथी जाली मैंने ये डाल दी है। अब देखिए मैं फ्रंट में डालूंगी 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया को डालना है फ्रंट में जाली के बाद। देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं फ्रंट में। इस तरह से इसमें मैंने ये 64 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं गले में, और इसमें मैंने 4 जाली डाली है पूरे गले में, 4 जाली डाल दी है। और इसको गले को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में तो ये फ्रंट है और 2 पार्ट में ये स्लीव्स में और 1 पार्ट में ये बैक है। 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ, सेकेंड रो बनानी है। इस तरह से ये गला बनता हुआ आ रहा है, 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया, यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया। किस तरह से ये मैंने 1 डबल क्रोशिया को डाल दिया है, बुन दिया है, 1 डबल क्रोशिया को मैंने ये बुन दिया है। चेन में इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया को बुन दिया है। अब देखिए ये जाली आ गई है, फर्स्ट जाली। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, तो इस तरह से मैं इंक्रीज करूँगी इसमें डालते हुए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से बुनना है डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए ये दूसरी जाली आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए दूसरी जाली के अंदर भी मैंने डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। यहाँ पर भी बढ़ाया और यहाँ पर भी मैंने बढ़ा दिया है। इसी तरह से चारों जाली के अंदर इंक्रीज करना है डबल क्रोशिया को। अभी मैंने डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, अब इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनना है, सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है।
देखिए ये तीसरी जाली आ गई है, तीसरा भी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए अब ये चौथा भी स्टिच आ गया है, फोर्थ। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है जाली के अंदर, 4 जाली के अंदर मैंने ये 2 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब लास्ट तक मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी रो कंप्लीट कर दी है जाली के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, तीसरी रो बनानी है, 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 1 डबल क्रोशिया। सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए ये फर्स्ट भी स्टिच आ गया है, फर्स्ट जाली। अब इसके अंदर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है जाली के अंदर। अब इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बुनूंगी। सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है, यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज किया था और यहाँ पर भी। देखिए देखिए ये दूसरा भी स्टिच आ गया है, दूसरी जाली। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है जाली के अंदर। डबल क्रोशिया बुनना है अब। देखिए ये तीसरी जाली आ गई है, तीसरा भी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं अब डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, डबल क्रोशिया बुनना है, सिंगल डबल क्रोशिया। फोर्थ भी स्टिच आ गया है, चौथी जाली आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है चौथी जाली के अंदर। अब लास्ट तक मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो भी कंप्लीट कर दी है, जाली के अंदर मैंने ये 2 2 डबल क्रोशिया को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है।
और आगे को मैं इसी तरह से इंक्रीज करते हुए बुनूंगी, योक को आगे को बढ़ाना इस तरह से टू टू डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से योक को मैंने अब इतना बड़ा ये बना लिया है। देखिए इसमें टोटल मैंने ये 11 रो बनाई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 रो बनाई हैं। और देखिए आपको मैं इसमें डबल क्रोशिया बता दूँ कितने डबल क्रोशिया इसमें हो गए हैं। देखिए इसमें मैंने 64 डबल क्रोशिया डाले थे यहाँ पर गले में, पूरे योक में हो गए हैं ये 146 डबल क्रोशिया। देखिए मैं आपको बताती हूँ कितने कितने डबल क्रोशिया हो गए हैं। देखिए फ्रंट में है 21, स्लीव्स में है 32 और बैक में है 40। टोटल हो गए हैं ये 146 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि मुड्डे की लेंथ कितनी हो गई है। देखिए मुड्डे की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुड्डे की लेंथ रखी है। अब देखिए मैं आर्म होल को जोड़ती हूँ, आर्म होल बनाने हैं, आर्म होल को जोड़ना है। आर्म होल को मैं जोड़ूंगी टू चेन और डबल क्रोशिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से, सिंगल डबल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये डबल क्रोशिया बुन लिए हैं और देखिए बी स्टिच में भी मैंने ये डबल क्रोशिया को बुन लिया है, बी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया को मैंने बुन दिया है। अब देखिए मैं 3 चेन डालूँगी, 1 2 3, ये मैंने 3 चेन डाल दी है। देखिए अब फिर मैं दूसरे बी स्टिच में भी डबल क्रोशिया डालूँगी, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने ये 1 डबल क्रोशिया को डाल दिया है। देखिए ये आर्म होल जुड़ गया है, इस तरह से ये आ गया है आर्म होल जुड़ने के बाद। देखिए अब मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी, यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करूंगी, फिर मैं दूसरा आर्म होल जोड़ूंगी। डबल क्रोशिया बुनना है, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये बुन दिए हैं डबल क्रोशिया को। अब देखिए ये तीसरा बी स्टिच आ गया है, तीसरी जाली। अब इसके अंदर भी मैं 1 डबल क्रोशिया डालूंगी, ये मैंने 1 डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं 3 चेन डालूंगी, 1 2 3, ये मैंने 3 चेन डाल दी है। अब देखिए फोर्थ बी स्टिच में, चौथे बी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया को डालना है, जोड़ना है इस तरह से। देखिए ये मैंने 1 डबल क्रोशिया को डाल दिया है फोर्थ बी स्टिच में, चौथे बी स्टिच में, इस तरह से ये आर्म होल बन गया है। देखिए 3 चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से ये आर्म होल मैंने जोड़ दिया है। अब देखिए डबल क्रोशिया डालना है लास्ट तक, यहाँ तक मैं सिंगल डबल क्रोशिया बुनूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और आर्म होल को मैंने जोड़ दिया है, इस तरह से मैंने दोनों आर्म होल जोड़ दिए हैं बैक से।
और ये फ्रंट से। अब देखिए मैं बुनती हूँ, आगे को बुनना है। अब डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया। सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है, यहाँ तक मैं बुनूंगी, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से बुनना है। देखिए आर्म होल आ गया है। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, थ्री डबल क्रोशिया को यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इंक्रीज करूँगी, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने थ्री डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। देखिए काफ़ी खुला हो गया है, देखिए नीचे से देखिए मुड्डा ये इस तरह से आएगा। डबल क्रोशिया में यहाँ तक बुनूंगी और फिर यहाँ भी बताऊंगी डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना। देखिए अब ये दूसरा आर्म होल आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं थ्री डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, थ्री डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। वन, टू, ये थ्री। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ तक मैं लास्ट तक डबल क्रोशिया बुनूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों आर्म होल अब कंप्लीट कर दिए हैं, बना दिए हैं, इंक्रीज कर दिया है डबल क्रोशिया को। इस तरह से ये बनकर आ गई है योक। देखिए इस तरह से मैंने ये आर्म होल दोनों बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया है डबल क्रोशिया को और इधर से भी। देखिए अब मैं इसमें डिज़ाइन को डालती हूँ, वाइट कलर लगाना है। टू चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं वन डबल क्रोशिया,
टू डबल क्रोशिया और एक ये थ्री डबल क्रोशिया, कि ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, थ्री डबल क्रोशिया ये मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब बंद चेन लेना है और नीचे से बंद चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, इस तरह से बंद चेन लेना है, नीचे से भी बंद चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और एक ये थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर बंद चेन लेना है, नीचे से बंद चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, वन टू और एक ये थ्री, कि इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। थ्री डबल क्रोशिया, नीचे से बंद चेन को स्किप करना है, ऊपर से बंद चेन लेना है, इस तरह से ही डिज़ाइन में डाल रही हूँ। थ्री डबल क्रोशिया बंद चेन, थ्री डबल क्रोशिया बंद चेन, बंद चेन, नीचे से भी बंद चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, थ्री डबल क्रोशिया डालना है यहाँ पर, टू और एक ये थ्री, देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, देखिए थ्री थ्री डबल क्रोशिया डाले हैं, 23 क्लस्टर 23 डाले हैं मैंने इसमें ये। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ, टू चेन और डबल क्रोशिया, ये होगा वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और एक ये थ्री डबल क्रोशिया, देखिए ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन चेन लेना है और देखिए यहाँ पर मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाले हैं, यहाँ पर भी मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूँगी, थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर ही थ्री डबल क्रोशिया डालना है, देख थ्री डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दी। वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। बन चेन थ्री डबल क्रोशिया, बन चेन थ्री डबल क्रोशिया, बन चेन थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री थ्री डबल क्रोशिया डालती हुई रो को कंप्लीट कर दिया है, सेकेंड रो को डिज़ाइन की तरह से ये आ गई है बनकर। अब देखिए इसमें मैं कलर चेंज करती हूँ, पर्पल कलर लगाना है इसमें, अब डिजाइन डालते हुए ही बुनना है इसमें, देखिए यही डिजाइन मैं डाल रही हूँ जो मैंने ये स्वेटर पहना है, ये बनाया था मैंने अपने लिए, देखिए। अब देखिए इसमें मैं डिजाइन डालती हूँ, डिजाइन को डालना है, टू चेन और डबल क्रोशिया, इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया, देखिए ये हुए हैं वन डबल क्रोशिया,
ये मैंने वन डबल क्रोशिया को डाल दिया है, वन चेन लेना है और नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। और फिर देखिए यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी, नीचे से डबल क्रोशिया को डालना है यहाँ से। इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है, देखिए। फिर मैं नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया डाले हैं मैंने। ये वन चेन लेना है, नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया को। ये हो गए वन डबल क्रोशिया। फिर देखिए मैं यहाँ से फिर जो मैंने ये वन चेन बनाई थी यहाँ से लॉन्ग डबल क्रोशिया लेना है नीचे से इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, देखिए थ्री डबल क्रोशिया यहाँ, थ्री यहाँ, बीच में वन चेन और नीचे से वन चेन को मैंने स्किप किया है, ठीक, वन चेन, नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। फिर यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है यहाँ पर। फिर मैं यहाँ से लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, फिर मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, देखिए थ्री थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। यहाँ से लॉन्ग डबल क्रोशिया लिया मैंने, अब नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, फिर वन चेन और नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और यहाँ पर डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन डाले हैं पूरी रो में। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। देखिए मैं इसकी फोर्थ रो बनाती हूँ डिज़ाइन की। वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया, ये मैंने वन डबल क्रोशिया डाल दी है। अब वन चेन लेना है, अब देखिए थ्री डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूँगी। अब वन टू और ये थ्री, देखिए डिज़ाइन रिपीट हो रहा है इस तरह से, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और एक ही थ्री। इस तरह से थ्री डबल क्रोशिया वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया डालना है, वन चेन और डबल क्रोशिया। वन चेन और लास्ट में वन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है, रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब इसमें मैं वाइट कलर लगाती हूँ, वाइट कलर लगाना है। वन टू, टू चेन और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालना है।
ये मैंने डबल क्रोशिया को डाल दिया है। देखिए यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी। देखिए ये मैंने लॉन्ग डबल क्रोशिया ले लिए, ये हो गए टू डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी, ये हो गए थ्री डबल क्रोशिया। फिर वन चेन लेना है, यहाँ से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, वन डबल क्रोशिया। फिर मैं देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी यहाँ से और फिर से यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी, ये हो गए थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन लेना है, नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, फिर मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूँगी। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालूँगी। थ्री डबल क्रोशिया वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। वन चेन नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और देखिए यहाँ से फिर मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी, फिर लास्ट में मैं डबल क्रोशिया डालूँगी, ये हो गए थ्री डबल क्रोशिया। ये थ्री थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालते हुए मैंने रो को कंप्लीट कर दिया है, रो को मैंने कंप्लीट कर दिया, इस तरह से आ गया है ये डिज़ाइन। फिर से मैं थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालूँगी, वन टू टू चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया मैंने ये डाले हैं। वन चेन और यहाँ पर स्किप करना है इसको और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया इस तरह से। वन चेन नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में थ्री डबल क्रोशिया डालना है। देखिए अलग अलग चेन में मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए। देखिए इसी तरह से थ्री डबल क्रोशिया वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने रो को अब कंप्लीट कर दिया है, थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डाले हैं और आगे को डिजाइन इसी तरह से ये डलेगा, रिपीट होता जाएगा ये डिज़ाइन, आगे को बुनना है। तो देखिए आगे को मैं अब बुनती हूँ। देखिए नीचे से ये डिज़ाइन तो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है, अब इसका ये बॉर्डर बनाना है यहाँ से, तो मैं बॉर्डर को बनाती हूँ। वन टू थ्री, थ्री चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए यहाँ से भी मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, देखिए ये मैंने लॉन्ग डबल क्रोशिया डाल दी है, अब डबल क्रोशिया बुनना है, डबल क्रोशिया डालना इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी नीचे से, इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी, थ्री डबल क्रोशिया और यहाँ से डालना है लॉन्ग डबल क्रोशिया और थ्री डबल क्रोशिया,
ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए लास्ट में इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनता हुआ आया है। देखिए अब देखिए मैं इसको बुनती हूँ। 1 2 3 3 चेन और डालना है देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से डालना है और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को और फ्रंट से, बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को और फ्रंट से। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, अभी यहाँ पर डालूँगी लास्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये रो मैंने अब कंप्लीट कर दी है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 चेन। अब मैं इसको फ्रंट से बुनूंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए मैं बैक से बुनूंगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अभी फ्रंट से है तो मैं इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये बैक से है तो मैं इसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बुनूंगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को और फ्रंट से। अब लास्ट में डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है बॉर्डर की। लास्ट रो कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने ये टोटल 6 रो बनाई हैं। 6 रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है नीचे से बॉर्डर के। तरह से ये बॉर्डर बनकर आया है। अब देखिए मैं इसकी स्लीव्स बनाती हूँ। स्लीव्स बनानी है। यहाँ से मैं बुनूंगी। टू चेन और डबल क्रोशिया। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैं सिंगल डबल क्रोशिया ये डाल रही हूँ। सिंगल डबल क्रोशिया डालने हैं। इस तरह से ये आ रहे हैं सिंगल डबल क्रोशिया और यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी सिंगल डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इसमें मैंने ये 40 डबल क्रोशिया डाले हैं। 40 स्लीव्स में 40 डबल क्रोशिया मैंने इसमें डाले हैं। देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ।
थ्री चेन और डबल क्रोशिया, 40 डबल क्रोशिया ही डालने हैं। देखिए ये मैंने अब सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है स्लीव्स की। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है सेकंड रो। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, तो इस तरह से मैं डालूँगी डिज़ाइन को। देखिए टू थ्री चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए टू डबल क्रोशिया और एक ये थ्री डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, फिर नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। टू थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया। देखिए वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से डिज़ाइन को डालना है। देखिए वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूँगी। ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने ये 10 क्लस्टर डाले हैं, 10 डाले हैं। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ वाइट से। वन टू थ्री चेन डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है, वन चेन और डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया। ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए थ्री डबल क्रोशिया मैंने ये डाले हैं। अब देखिए वन चेन, और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए मैं दूसरा कलर लगाती हूँ। इसमें पर्पल कलर लगाना है, इस तरह से लगाना है। अब देखिए मैं इसमें फोर चेन डालूँगी, वन टू थ्री और एक ये फोर, ये मैंने फोर चेन डाल दी है। अब देखिए वन चेन को स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है। देखिए मैं यहाँ पर लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये लॉन्ग डबल क्रोशिया डाल दी है, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए, वन चेन, और फिर से इसी तरह से मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूँगी। वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी यहाँ से इस तरह से। ये मैंने लॉन्ग डबल क्रोशिया डाल दी है, फिर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इसको बुनना है, वन चेन लेना है और यहाँ से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी नीचे से यहाँ से, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। वन चेन, नीचे से वन चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, और फिर मैं डालूँगी यहाँ पर लॉन्ग डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, वन टू और एक ये थ्री चेन में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। देखिए
थ्री डबल क्रोशिया बन चेन आ गए हैं ये, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए फिर से मैं थ्री डबल क्रोशिया और बन चेन डालूंगी, टू थ्री और एक ये फोर। देखिए फोर चेन डाल दी है मैंने, डालना है यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया। ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। बन चेन थ्री डबल क्रोशिया, यहाँ डालूँगी मैं टू डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये इसको ज्वाइन कर दूँगी, वन टू थ्री, थ्री चेन में ज्वाइन करना है। और इसमें मैं वाइट कलर लगाती हूँ, देखिए इस तरह से। फिर डालूँगी यहाँ पर फोर चेन, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए फोर चेन डाल दी है मैंने, यहाँ से लॉन्ग डबल क्रोशिया डालना है, तो इस तरह से मैं डालूँगी। ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, देखिए। फिर वन चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर लॉन्ग डबल क्रोशिया डालना है नीचे से, फिर डबल क्रोशिया डालना है, देखिए। इसी तरह से ये डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा और आगे को मैं इसी तरह से बुनूंगी, आगे को इसी तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बुन दिया है, डिज़ाइन मैंने ये डाल दिया है, इसी तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाला है इसमें। अब देखिए मैं इसका आगे से बॉर्डर बना देती हूँ, आगे से बॉर्डर बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें पर्पल कलर लगाती हूँ अब आगे को। वन टू थ्री, थ्री चेन डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से मैं लॉन्ग डबल क्रोशिया लूँगी, ये मैंने लॉन्ग डबल क्रोशिया डाल दी है। अब फिर से मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूँगी, थ्री डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग डबल क्रोशिया डालूँगी, देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है, थ्री डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर डालना है लॉन्ग डबल क्रोशिया, और देखिए अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। और इसमें है 40 डबल क्रोशिया, 40 डबल क्रोशिया इसमें आगे हैं। अब इसमें से मैं डिक्रीज करूँगी, 11 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करना है। तो देखिए मैं बॉर्डर को बुनते हुए डिक्रीज करूँगी, वन टू थ्री, थ्री चेन, ये मैंने थ्री चेन डाल दी है। अब देखिए मैं बुनती हूँ, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है, डिक्रीज करते हुए बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिक्रीज कर दिया है वन डबल क्रोशिया को। अब बुनूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब बुनना है देखिए बैक से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, दो का एक बनाना है यहाँ इस तरह से। यहाँ से भी मैंने वन डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, ये टू डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है, एक ये और एक ये। अब बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब बुनना है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं ये
इन दोनों को भी डिक्रीज करूँगी तो फ्रंट से बुनूँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब बैक से बुनना है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब फ्रंट से बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब बैक से बुनना है डिक्रीज करते हुए यहाँ से, तो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 11 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए और डिक्रीज करते हुए। देखिए यहाँ पर 40 डबल क्रोशिया थे, अब मैंने इसमें यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब ये रह गए हैं बॉर्डर में 29 डबल क्रोशिया, 29 डबल क्रोशिया ये रह गए हैं। अब देखिए आगे तक मैं 29 डबल क्रोशिया बुनूंगी। 6 रो कंप्लीट करनी है इसकी बॉर्डर की, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बुनना है। 1 2 3 थ्री चेन और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को और फ्रंट से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए 6 रो अब मैंने ये बॉर्डर की कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने ये अब दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर दी हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन आया है बनकर। देखिए दोनों स्लीव्स बनाने के बाद अब मैं बटन पट्टी और काज पट्टी बनाती हूँ। पहले मैं ये काज पट्टी बनाऊँगी, फिर मैं ये बटन पट्टी बनाऊँगी। यहाँ से मैं बुनूँगी। वन और एक ये टू, टू चेन और हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से देखिए हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से पूरी रो में हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी रो में हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए काज बनाने के लिए मैं यहाँ पर मार्क लगाती हूँ। काज बनाने के लिए मैंने ये मार्क अब लगा दिए हैं। अभी यहाँ पर मैं काज को बनाऊँगी। देखिए मार्क लगाने के बाद अब मैं बुनती हूँ। बुनना है अब 1 2 टू चेन और हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए ये मार्क आ गया है, यहाँ पर मैं काज को बनाती हूँ। काज को बनाना है, बन चेन लेना है और नीचे से भी बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ये मैंने काज बना दिया है। देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। ये हो गए 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 5 6 और ये 7। ये मैंने 7 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मार्क आ गया है। अभी यहाँ पर भी मैं काज बनाऊँगी। बन चेन लेना है, नीचे से बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में
हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने काज को बना दिया है। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालने हैं 7, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये मैंने 7 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब ये मार्क आ गया है, यहाँ पर भी मैं काज को बनाऊंगी। 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी काज को बनाते हुए। इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है काज बनाते हुए। तीसरी रो बनानी है इसकी, 1, 2, 2 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये काज आ गया है, यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं काज में। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए ये अब काज आ गया है, यहाँ पर भी मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। काज के अंदर मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए। इस तरह से ये काज बन गया है। अब ये काज आ गया है, यहाँ पर भी मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से अब बुनूंगी मैं हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है, इस तरह से बनकर ये आ गई है। देखिए मैंने इसमें ये 6 काज बनाए हैं। अब देखिए मैं इसकी चौथी रो बनाती हूँ, 4th रो बनानी है। वन टू टू चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है और रो को कंप्लीट करना है, हाफ डबल क्रोशिया डालना है, लास्ट में डालना है अभी हाफ डबल करो। ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से बनकर ये आ गई है काज पट्टी। देखिए अब मैं बटन पट्टी बनाती हूँ, इसमें भी मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसमें मैंने ये 54 हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक 54, और इसमें भी मैं अब 54 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। वन और एक ये 2 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 54 हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं पूरी रो में। इस तरह से ये आ गए हैं हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ, हाफ डबल क्रोशिया डालना है, हाफ डबल क्रोशिया ही डालना है। 1, 2 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ही डालना है।
तरह से पूरी रो में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया, अब देखिए इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है और इसकी ये मैंने फोर रो कंप्लीट कर दी है। फोर रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। ये मैंने बटन पट्टी बना ली है और काज पट्टी भी मैंने ये बना दी है। देखिए बटन पट्टी और काज पट्टी ये दोनों बन गई है। अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। गले का बॉर्डर बनाना है, वन टू थ्री, थ्री चेन और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया डालना है, पूरी रो में सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया, कि इस तरह से मैंने ये पूरे गले में सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से ये सिंगल डबल क्रोशिया आए हैं। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूँगी और बैक पोस्ट, वन टू थ्री, थ्री चेन और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक से डालना है डबल क्रोशिया को इस तरह से। अब डालूँगी मैं फ्रंट से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब डालना है बैक से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, अब डालूंगी मैं फ्रंट से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से बुनना है बैक से डबल क्रोशिया को और फ्रंट से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी, ये चेन है, चेन में सिंगल डबल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दी है। दूसरी रो इस तरह से ये बॉर्डर आ रहा है। अब इसकी मैं एक और रो बना देती हूँ, वन टू थ्री, थ्री चेन और डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, लास्ट में डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसकी मैंने ये थ्री रो बनाई है बॉर्डर की। इस तरह से ये बॉर्डर आ गया है बनकर। देखिए मैं इसमें बटन लगाऊंगी, बटन लगाने हैं, बटन लगाना है, इस तरह से लगाना है बटन। इस तरह से मैंने ये बटन लगा दिया है और इसमें इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने ये बटन लगा दिया है, इस तरह से ये बटन आ गया है और सारे बटन इसी तरह से मैं लगाऊंगी। देखिए ये सारे बटन मैंने लगा दिए हैं और इस तरह से ये जैकेट बनकर आ गई है। देखिए इसमें मैंने ये बटन भी लगा दिए हैं। अब ये जैकेट कम्प्लीट हो गई है। देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए इसके साथ की मैंने ये कैप भी बनाई है।
जैकेट के साथ की कैप ये मैंने बनाई है।